हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फोर्थ चैप्टर और वो है हिस्ट्री की बुक से। व्हाट बुक्स एंड ब्रायल टेल्स अस, पुस्तकें हमें क्या बताती हैं? बेटा बहुत सारी चीज़ें आप पुस्तकों में से पढ़ते हो, आपको नॉलेज मिलती है बुक्स में से, बहुत सारी चीज़ें आप बुक से जानते हो। तो इसी तरह जब हम अपना पुराना टाइम के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो बहुत सारी बुक्स हमें बहुत सारी जगहों से मिली है। जैसे किसी पंडित के घर से मिल गई, किसी मंदिर के घर से, किसी मंदिर से बुक मिल गई, कभी किसी लाइब्रेरी से कुछ पन्ने मिल गए। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं। आप कोई पुरानी बुक्स का नाम बता सकते हो? कोई भी पुरानी बुक्स जो आपने अभी तक देखी हो, जैसे गीता है, गीता हमारी सबसे प्राचीन बुक है। वेद, नाम सुना होगा कि वेदों में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पुरानी बुक्स हमारे इतिहास में मानी गई है भारत में वेद, वेदास बोलते हैं इनको। और जो मुख्य वेद हैं वो हैं चार, ठीक है, संस्कृत में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में। इसके साथ साथ आपने अभी छुट्टियों में रामायण देखी होगी, रामायण महाभारत, ये भी तो प्राचीन ग्रंथ हैं। जो किस जैसे वाल्मीकि ने लिखी रामायण, उसके पेज कहीं मिले, फिर किसी और ने रामायण लिख दी, उनके पेजों के आधार पर इस तरह से हमने जाना कि राम कोई राजा था और वो इक्ष्वाकु वंश का था, दशरथ उसका बेटा, दशरथ का बेटा था, और उसका राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था। इसी तरह आपने महाभारत का नाम सुना होगा, महाभारत भी एक प्राचीन बुक है हमारी, 10,000 श्लोक हैं इसमें, और ये बताते हैं कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का शासन आसपास दिल्ली के फैला हुआ था। और इसके अलावा बहुत सारे जनपद भी थे, आपने नाम सुना होगा पांडवों के ससुर का, क्या नाम था द्रौपदी के पिता का? द्रुपद। हाँ, तो द्रुपद क्यों था? क्योंकि वो द्रुपद का राजा था। विराट नाम सुना होगा आपने, जहाँ पर उन्होंने अज्ञातवास बिताया, तो ये विराट शासक था एक राज्य का। तो इससे पता चलता है कि राम के टाइम में सिर्फ एक राजा, राजा राम, और उसकी वो बहुत दूर दूर तक भारत का साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन महाभारत काल तक आते आते एक पावर ख़त्म हो गई थी और बहुत सारे राजा, जैसे काशी का राजा कंस था, इसका द्वारिका का, और कृष्ण थे यदुवंश के, और इसी तरह जरासंध थे। तो इस तरह से बहुत सारे राजा उस टाइम थे, एक पावर नहीं थी। तो ये क्या चीज़ें मैं हमें बताती हैं, पुरानी बुक्स हमें बताती हैं कि उस समय हमारा समाज कैसा था, राजा कौन से राज करते थे, आम लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है। अगर आप किसी भी बुक सेलर की दुकान पे जाओ तो बोलना अंकल वेद दिखाना, वो आपको दिखा देगा। बड़े बड़े हैं प्राचीन ग्रंथ, नेट पे सर्च करोगे तो उनकी ऋचाएं मिलेंगी, ऋचाओं में थे वो, मंत्रास में थे। अच्छा, सुबह सुबह असेंबली में तो बोलते हो ना, ओम भूर भुवस्व तत्सवितर गायत्री मंत्र, ये भी वेदों से लिया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे हमारे यज होते हैं, हवन होते हैं ना घर में, वो मंत्र भी वेदों से लिए गए हैं। आप म्यूजिक की टीचर आपको सिखाती होगी सारे गामा पादा निशा, ये सामवेद एक ग्रंथ है म्यूजिक का, सामवेद से लिए गए हैं ये, ठीक है ना। जितनी भी हिंदू धर्म की कास्ट, जैसे कोई भी प्रथा है या रिचुअल्स हैं, वो हमारी प्राचीन बुक्स में लिखा गया है। वैसे हमारी ज़्यादातर बुक्स जो हैं इंडियंस की, हिंदू धर्म की मेनली, वो जीवन का अर्थ बताते हैं, जीवन जीने का
उद्देश्य क्या है ये बताते, रिचुअल्स की तरफ वो कम ध्यान देते हैं कि इस तरह उठो, इस तरह बैठो, इस तरह पूजा करो, ये नहीं बताते, क्योंकि पूजा पाठ भारत में था नहीं, हम नेचर की पूजा करते थे। नेचर मीन्स सूरज की, चांद की, अगर वेदों की ऋचाएं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सूर्य देवता, वन देवता, जल देवता, इस तरह से। एज द बेल बी रंग, जैसे ही बैल बजी, चैप्टर हम पढ़ते हैं, मैरी लाइब्रेरी में जाती है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू फॉलो हिम, टीचर ने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी, क्योंकि वो लाइब्रेरी में जा रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे आपके टीचर भी आपको लाइब्रेरी में ले जाते होंगे, और लाइब्रेरी में क्या होती हैं, बुक्स ही बुक्स होती हैं। When Mary stepped inside, जैसे ही मैरी ने कदम रखा अंदर लाइब्रेरी में, she found that the library was much larger than their classroom, कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी उनके क्लासरूम से तो बहुत ज़्यादा बड़ी। आपकी लाइब्रेरी कभी देखी आपने? देखो, and there were so many slaves, वहाँ बहुत सारी slaves थी, जैसे अलमीरा होती है ना, और फुल ऑफ बुक्स, जिसमें किताबें रखी थी। इन वन कॉर्नर वाज ए कपबोर्ड फील्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम, एक कोने में एक कपबोर्ड थी, अलमीरा थी, जिस पर बहुत बड़ी बड़े किताबें रखी हुई थी, ओल्ड पुरानी, पुराने टाइप की किताबें। सीनिंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड द टीचर सैड, जैसे ही उसने कपबोर्ड को देखने के खोलने के लिए देखा, टीचर ने कहा दिस कपबोर्ड वाज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन, इस कपबोर्ड में तो क्या है, स्पेशल बुक हैं, विशेष बुक्स हैं भिन्न भिन्न धर्मों की। बेटा अलग अलग धर्मों के नाम जानते हो? सुना होगा, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और जैन, बौद्ध। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदा, और टीचर बताती है कि हमारे पास वेदास भी हैं, वेद। व्हाट आर द वेज, मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट, अब वेद क्या है, मैरी तो बड़ी हैरान हुई, और चलो देखते हैं कि वेद क्या होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, ये माना जाता है कि वेद जो है किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, बल्कि भगवान ने लिखे हैं। ये बात खैर थोड़ी सी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान ने इसलिए माना गया है क्योंकि उस टाइम व्यक्ति नेचर के बहुत करीब था। जैसे ही आप कोई भी वेद की वाणी पढ़ोगे, ऐसा लगेगा जैसे भगवान बोल रहे हों, क्योंकि उस टाइम व्यक्ति आज की तरह प्रदूषित वातावरण में नहीं रहता था, उसमें सच्चाई थी, वो नेचर के करीब था, सारी जरूरतें उसकी प्रकृति से पूरी होती थी, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ये मनुष्य ने नहीं, भगवान ने लिखे हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, ये सबसे पुरानी है हमारे संसार की। यू मे हैव हर्ड अबाउट वेदास, क्या तुमने वेदास के बारे में सुना है? देर आर फोर ऑफ देम, चार हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे पहले लिखा हुआ, सामवेद उसके बाद का। ये सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है, जितने भी आप गाने की धुन सुनते हो ना बेटा, वो सब यहीं से निकलते हैं, सारे गामा पादा निशा से। यजुर्वेदा, जो आप ये रामदेव की दवाओं के बारे में पढ़ते हो ना, हमारी देसी दवाएं, तुलसी के बारे में, मलाटी के बारे में, सौंफ, जितने भी दवाइयां आप पढ़ते हो वो सारी यजुर्वेद में लिखी हुई हैं। और अथर्ववेद है तंत्र मंत्र के बारे में। द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे ओल्ड वेद जो है वो ऋग्वेद है, हिंदी में इसे ऐसे लिखा जाता है। अगर आप वेद को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमारे देश में जाति पाति नहीं थी, बाद में पैदा हुई, जिसे कुछ लोग कहते हैं ना ये तो जन्म जात है। इन चीजों के पढ़ने के बाद हमें पता चलता है जाति पाति कैसे आई, ये जन्म जात नहीं होती, ये समाज ने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद हमारी सबसे पुरानी है, और कब लिखी गई है, कंपोज्ड अबाउट 30
5000 ईयर अगो, 3500 साल पहले। कई लोग तो इससे भी पुराना टाइम बताते हैं इनका। द ऋग वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हिम्स। हिम्स मैंने मंत्र, हजारों मंत्र हैं इसमें। कॉल्ड सुक्त, जिसे सुक्त बोलते हैं, सुक्त ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, सुक्त बोलते हैं इनको। जैसे पोयम कविता होती है ना, ऐसे ही सुक्त होते हैं। और वेल सेड, वेल सेड मैंने अच्छे विचार, शुभ विचार। वेल सेड मैंने शुभ विचार। सुक्त मीन्स बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं वेदाज में। बड़ी हो, जब बड़े हो तो जरूर पढ़ना। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड। ये भी पता चल जाता है कि 3000 साल पहले जो वर्तमान में देवी देवता थे वो हैं कि नहीं। नहीं, ऋग्वेद में इन देवताओं का कोई जिक्र नहीं है बच्चों। जो आप ये दुर्गा माता, काली माता, शिव के बारे में पढ़ते हो, उनमें नहीं है ये। देवी देवताओं के बारे में तो है, लेकिन नेचुरल देवी देवताओं के बारे में है। और नेचुरल जिनसे हम बने हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, यही देवता थे। थ्री गॉड्स आर वॉरियर, वॉरियर गॉड्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट गॉड्स थे, अग्नि, पता है ना, आग सबसे ज्यादा जरूरी है। फायर, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता। इंद्र, ये युद्ध का देवता था इंद्र, वैसे बरसात लाने वाला भी बोलते हैं इसको। और द सोम, एक प्लांट था जिसको, जिसके से एक स्पेशल रस निकलता था, जिसे पीकर बताते हैं कि सारी बीमारियां और दूर हो जाती और स्वस्थ मन हो जाता। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाई सागास। सागास क्या होते हैं? ऋषि, मुनि, तपस्वी। रामायण में देखे होंगे ना ऋषि कैसे हैं, कैसे होते हैं। दीज हिम्स ये ऋषियों ने लिखे थे। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबस वर्ड। और क्या आप, लगता है कि उस टाइम के बच्चे आपकी तरह पढ़ते होंगे? उस टाइम के गुरु जो है, जब किताबें हाथ से लिखी जाती थी पाम के ट्री पे, पाम के पत्तों पर, और ऋषियों के द्वारा, कलमों के द्वारा, जो ऋषि थे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया करते और जोर जोर से उनको रटाया करते चीज, और वो उनको बार बार जब रटाते थे, रिसाइट करते थे, बोलते थे, तो सारा सिलेबस उनको याद हो जाता था। हमारे जो गुरु थे ना ऋषियों ने, इसी तरह हमारे ज्ञान को बचा कर रखा बच्चों। एक बार बताते हैं कि सेल्यूकस, जो सिकंदर महान का सेनापति था, वो एक ऋषि के पास गया और कहा कि आप हमारे, हमें ग्रंथ दे दीजिए, जो आपके पुराने ग्रंथ हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि हिंदुस्तान का ज्ञान उस टाइम सारे संसार में फैला हुआ था बच्चों। तो उस गुरुकुल में बहुत सारे ग्रंथ थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे और ज्ञान से भरे हुए थे। ऋषु को कहा कि आप इन्हें हमें भेंट कर दीजिए, ऋषि ने मना कर दिया। तो ऋषि को टाइम दिया गया कि आप ऐसा करें, ये 24 घंटे आपके पास है, सोच लें, नहीं तो ये जबरदस्ती हम उठा के तहस नहस कर देंगे आपका आश्रम। जब उसने ये बात ऋषि ने अपने स्टूडेंट्स को बताई, शिष्यों को बताई, वो सारी रात रटते रहे, उन जो ग्रंथ थे उनको रट के याद करवाया, और अंत में हवन में उन सारी किताब को हवन कर दिया गया, जला दिया गया। और जब सेल्यूकस आया तो कहा कि उठा ले जा इसमें से राख, ये रहे। इस तरह से हमारे ऋषियों ने हमारे ज्ञान की रक्षा की थी बच्चों। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टोट एंड लर्नट बाई मैन। ये आदमियों के द्वारा ही लिखे जाते थे और आदमी ही से, मतलब पुरुष आगे बढ़ाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन्स नहीं थी। आप गायत्री जो मंत्र बोलते हैं वो गार्गी ने लिखा था। ए फ्यू वर कंपोज बाई वोमेन, कुछ वुमेन्स ने भी लिखे हैं। द ऋग्वेद इज द ओल्ड एंड वैदिक संस्कृति
विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दीज डे, और जो सारी भाषा है ऋग्वेद की वो वैदिक संस्कृत है, जो आज आप संस्कृत पढ़ते हो ना स्कूलों में वो उससे अलग संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत एक महान भाषा है जिसे हमें जानना जरूरी है। संस्कृत एंड ओल्ड लैंग्वेज, संस्कृत के साथ हमारे देश की और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। अच्छा बच्चों, हिंदी कहाँ से निकली होगी? हिंदी निकली बेटा 14वीं शताब्दी में आई, इसको तो आए 600-700 साल ही हुए हैं। ये संस्कृत से ही निकली है, जैसे दूध से, दूध का पहले दुग्ध होता था संस्कृत में नाम, अब दूध है। तो इस तरह से भाषा बिगड़ कर हिंदी का रूप आई। संस्कृत एक, संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की एक भाषा है संस्कृत। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ठीक है ना, और ये बहुत सारी और एशियन लैंग्वेज लाइक पर्शियन, पर्शिया की जो लैंग्वेज है पर्शियन लैंग्वेज, और दूसरी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। ये कहते हैं ये एक ही फैमिली के, क्योंकि इनके वर्ड बहुत कॉमन आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे माँ, मदर, मोम, माता, ठीक है ना, तो इस तरह से मिलती हैं ये वर्ड। तो बहुत सारी इंडो यूरोपियन में, बहुत सारी तो जो भारत में बोली जाती है भाषाएं वो आ जाती हैं, और बहुत सारी भाषाएं जो यूरोपियन देशों में, जो अंग्रेजों के देश हैं वहां बोली जाती है। टेक द वर्ड मंत्र, संस्कृत में इसे मात्र कहते हैं, मात्र, ये रही मात्र, मात्र मैंने माता, हिंदी में उसे माँ कहते हैं, इंग्लिश में उसे मदर कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भाषाएं आपस में मिलती हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी, और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? अदर लैंग्वेज यूज इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। इस कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट मैंने बताया था एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा पार्ट जो अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट बनाता है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश इसमें से मिलकर बनते हैं। इनमें और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे एक ग्रुप है भाषाओं का तिब्बतन बर्मन। अब तिब्बत आपको पता है क्या है, यहाँ है भारत के उत्तर में, तो इसमें, और दूसरी फैमिली है एक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ परिवार से हैं। तीन परिवार हो गए, एक इंडन इंडो यूरोपियन परिवार, एक तिब्बतन परिवार और एक द्रविड़ परिवार। और द्रविड़ बोली जाती है बेटा यहाँ साउथ में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऐसे, ठीक है, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो झारखंड वगैरह में बोली जाती है, क्योंकि झारखंड तो भारत के मध्य में आ गया ना, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया, एक तो एक ये पार्ट हो गया, जो बीच का पार्ट है ये यहाँ बोली जाती है एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की भाषाएं, ठीक है। उसके बाद है The books were used are written and printed. Printed, क्या ये बुक लिखी जाती थी, प्रिंट होती थी? बेटा प्रिंटर तो आए नहीं थे उस टाइम, छापा खाना का तो आविष्कार हुआ नहीं था, ये तो अभी हुआ है कुछ साल, कुछ 200-300 साल पहले ही। पहले हाथ से ही लिखी जाती थी या बोल के याद करवाई जाती थी बच्चों को। The Rigved was recited and heard rather than read. और ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, बोल बोल के सुनाया जाता था, रटाया जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कम्पोज। और पहली, जब पहली बुक बनी ना ऋग्वेद की, मान लो या पहली बुक बन गई, उसके बाद भी हजारों साल तक इसमें कुछ न कुछ शामिल करते रहे लोग, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गई। और ये 200 साल पहले ही जब प्रिंटर आए, छापे खाने की मशीन बनी, तभी तो ऋग्वेद छपा। पहले तो ये ऐसे ही था, कोई ताड़ पत्रों पर, कोई किसी ने याद कर लिए मंत्र, किसी की बुक में इसका जिक्र हो गया, इस तरह से।
हाउ हिस्टोरियन स्टडीड द ऋग्वेद, ऋग्वेदा की स्टडी कैसे करते हैं, मतलब ऋग्वेद को पढ़ते कैसे हैं या ऋग्वेद क्यों पढ़ते हैं या ऋग्वेद पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है। हम पुरानी सोसाइटी के बारे में जानते हैं, उनके मंत्रों से हमें पता लगता है कि कौन लोग कैसे जीवन जीते थे, कैसे वो किन देवताओं की वो पूजा करते थे, किस तरह के वो समाज में रहते थे, रीति रिवाज कैसे थे समाज के। हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल एज लेट अस सी हाउ दे स्टडी ऑफ ऋग्वेद। हिस्टोरियन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरानी चीज़ों खोज करते हैं, उन्होंने पास्ट को वो कैसे पाते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़कर, बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर एग्जामिन करते हैं, तो कैसे वो ऋग्वेद को पढ़ते हैं। सम ऑफ हिम्स, कुछ मंत्र इन ऋग्वेदास, ऋग्वेद के कुछ मंत्र आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, कुछ तो बातों के रूप में डायलॉग है। दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हिम्स, ए डायलॉग बिटवीन ए सैगे नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज गोडेसेस। ये कहते हैं जो फर्स्ट ऋग्वेदास का कुछ डायलॉग है, और वो डायलॉग है विश्वामित्र, विश्वामित्र का नाम सुना होगा ना आपने, अरे भाई याद करो जब आपने रामायण देखी होगी तो विश्वामित्र उन्हें लेके गए थे ताड़का वध के लिए राम और लक्ष्मण को, वही विश्वामित्र है ये। और वो बात कर रहे हैं ब्यास और सतलुज से, पता है ना सतलुज और ब्यास दो पांच जो ये नदियां हैं, अगर आप यहाँ जाओगे ना भारत के, यहाँ ब्यास, यहाँ से ब्यास आती है, यहाँ से सतलुज आती है, पाकिस्तान में बहकर चली जाती हैं, पंजाब में भी बहती हैं कुछ इनका भाग, तो उससे ये बात करते हैं। और उस टाइम वो देवी के रूप में पूजी जाती थी ब्यास और सतलुज। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता ये थी भाई, जैसे गंगा को माँ बोलते थे, जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज़ थी ना, जिससे लाइफ मिलती है, पानी है जैसे जल, पता है नदियों का महत्व क्या था, उनको पता था कि नदियों किस तरह से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो इसलिए उन्होंने देवी का रूप दिया भगवान को, जल को उन्होंने देवता का रूप दिया। सूर्य के बगैर कोई भी उत्पत्ति किसी भी वनस्पति की होती नहीं है, इस वजह से सूर्य को भी देवता का नाम दे दिया, ठीक है ना। और ब्यास और सतलुज को भी देवताओं के रूप में, एक सबसे बड़ी नदी जो अब नहीं है, हरियाणा में ही बहती थी जो सरस्वती, वो भी सबसे महान नदियों में से एक मानी जाती थी, कहाँ पे, ऋग्वेदास में सरस्वती का बार बार जिक्र आता है, ठीक है। और अब हरियाणा गवर्नमेंट उसे खोजने की कोशिश कर रही है। वर्तमान आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी